नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। एक दिव्यांग दंपत्ति की शादी समारोह में एटा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाने के बाद भी बीजेपी के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और बीजेपी के लोग खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कानून के बारे में वो अब क्या समझाने निकले हैं। वहीं अखिलेश ने बीजेपी को लेकर कहा कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो आधार पर नहीं है और आप कानून के जरिए हासिल करना चाहते हैं। हमारे देश में नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं दी जाती, यहाँ सभी को बराबरी का हक और दर्जा दिया जाता है। बीजेपी सरकार आपके मोबाइल में घुस गई है और मोबाइल और गाँव में लगे डिश एंटीना के जरिए लोगों तक पहुँचना चाहती है। अखिलेश यादव ने बताया कि उनकी समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने जो शौचालय बनवाए थे वो बंद पड़े हुए हैं। यही घटना हुई जहां उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, सोचो उसका जीवन कैसे गुजरेगा। जो सामाजिक बुराई है या इस तरह की घटनाएं जिन बच्चों के साथ हो जाती है, उन्हें न्याय मिले, उनको भी जीवन में समाज में रहने का हक मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि ऐसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलनी चाहिए। CAA, बीजेपी वाले इतने समझदार हैं कि लोकसभा से कानून पास हो गया, राज्यसभा से कानून पास हो गया, सब नेताओं ने बहस कर ली, उसके बाद फिर बीजेपी के लोग निकले हैं सड़कों पे समझाने के लिए। आखिरकार बीजेपी के लोग क्यों नहीं समझ पाए? अब गांव में अगर होंगे, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारे दादा खड़े बाबा बैठे मान लो बगल में, इनसे हम पूछें कि आपके गांव में जो घर है क्या उसके जमीन के कागज हैं? इनके जमीन कागज नहीं है। इनसे हम कहें अपनी डेट ऑफ बर्थ ढूंढ के लाओ। कौन सी जानकारी है जो आधार में नहीं है वो आप इसमें हासिल करना चाहते हो? ये सवाल मुसलमानों का नहीं है। हमें मुसलमान भाई इसलिए हैं कि संविधान को छेड़ा है। अब ये नागरिकता तय कर रहे हैं धर्म के आधार पे, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, या आजादी के जितने लोग हैं, भगत सिंह हैं, या जिन्होंने आजादी दिलाई है, वो इसलिए थोड़ी दिलाई कि एक समय आएगा भारतीय जनता पार्टी जब नौकरी नहीं दे पाएगी, किसान की आय नहीं कराएगी, तो ऐसी व्यवस्था कर देगी। ये केवल समाज में झगड़ा लगाने के लिए हमें याद है। और इसके साथ ही नोएडा के वैभव कृष्ण आईपीएस के बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण पर कार्रवाई गलत की गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उन्हीं अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जबकि शिकायत करने वाले पर ही कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले पर जांच कर पैसा लेने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश सरकार को उस अधिकारी के टर्मिनेशन की सिफारिश करनी चाहिए। इस सरकार में जाति देखकर अधिकारियों को टर्मिनेट किया गया है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून पर अखिलेश ने कहा कि सरकार नहीं मानी तो देश में निश्चित ही महाभारत होगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।